स्मार्ट सिटीज, अमृत सिटीज, रिटेल सिटीज, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इलाका की, तो साइमल्टेनियसली देश को देखो इंटीग्रेटेड रूप में देश को डेवलप करना चाहिए। अगर आप लोग देख रहे हैं महत्वपूर्ण विधेयक सब लोकसभा में पारित हो रहे हैं, राज्यसभा में अटक है। कारण क्या है? राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी जान बूझ कर देश के हित में जो कानून हम ला रहे हैं, 44 इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन स्ट्रक इन राज्यसभा, 44 विधेयक अभी राज्यसभा में पेंडिंग है। मेरा कहना है आप विपक्ष में है अपोज करना अपोज करो, मेरा कहना है आई प्रपोज यू अपोज, लेट द हाउस डिस्पोज। हाउस को चलने नहीं दे रहे, ये लोकतंत्र का विरुद्ध है और जनता के हित में नहीं है। और देश में गरीबी दूर करना चाहते, विकास लाना चाहते प्रधानमंत्री, मगर ये लोग इसलिए मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा में भी मेरा पॉइंट आज का ये है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने लोगों को जिताए, तभी राज्यसभा में पूरा परिवर्तन आए। इस बार थोड़ा सा आए, आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही, बीजेपी आगे बढ़ रही, संख्या थोड़ा सा बदल गया, फिर भी पूर्ण बहुमत आया नहीं। तो विधानसभा चुनाव भी महत्वपूर्ण है, देश आगे बढ़ना, प्रदेश आगे बढ़ना, प्रदेश के बिना देश आगे बढ़ना संभव है। देश माने पूरा सभी प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट है तो 4-5 स्टेट से इक्वल स्टेट है, थोड़ा बड़ा स्टेट, ये पीछे रह गए, देश आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होगा उस चुनाव में हमारा लोगों से प्रार्थना इतना ही होगा, मोदी जी को साथ दिया आप लोगों ने पार्लियामेंट में, धन्यवाद, मगर विकास आप तक पहुंचना है तो इसके लिए विधानसभा में भी साथ दीजिए।